लास्ट टाइम हमने कुछ फॉर्मूलाज किए थे डिफरेंशिएशन के, तो डिफरेंशिएशन का जितना भी हमने काम किया उसके बेस पे इस एग्जांपल को सॉल्व करें प्लीज। डी बाय डी एक्स ऑफ सेवन एक्स का स्क्वायर माइनस वन बाय एक्स प्लस थ्री करेंगे, इसमें ओपन करेंगे तो d बाई डी एक्स को क्या सिखाया था, d बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट टर्म ऐसी था माइनस d बाई डी एक्स ऑफ सेकेंड टर्म प्लस d बाई डी एक्स ऑफ थर्ड टर्म, ठीक ऐसी था। तो सेवन कॉन्स्टेंट बाहर आ गया, d बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स को ऊपर ले जाएंगे तो रेज टू पावर माइनस वन प्लस, इसको तो करना ही नहीं क्योंकि कॉन्स्टेंट की डिफरेंशिएशन इज जीरो। तो नेक्स्ट सेवन इंटू पावर रूल, पावर नीचे एक पावर कम, तो टू नीचे एक्स की पावर टू माइनस वन वन, और अगर टू पे हाथ रख लें तो डी एक्स पे डी एक्स तो वन होता है तो इसको छोड़ देते हैं, माइनस माइनस एक्स की पावर माइनस टू, तो पावर नीचे x की पावर एक कम तो माइनस वन माइनस वन माइनस टू आंसर, नहीं तो छोड़ दो चलेगा। तो पॉइंट क्लियर है यहां तक कि कैसे इस टाइप के क्वेश्चंस को करने हैं। एक और करते हैं फिर नेक्स्ट फॉर्मूले पे चलते हैं, ठीक। तो एक और क्वेश्चन ट्राई करो इसके ऊपर, d बाय डी टी ऑफ t रेज टू पावर थ्री बाय टू माइनस वन बाय सेवन प्लस रूट टी। तो इस क्वेश्चन में डी बाई डी टी ऑफ फर्स्ट टर्म माइनस डी बाई डी टी ऑफ सेकेंड टर्म प्लस डी बाई डी टी ऑफ थर्ड टर्म, थर्ड टर्म में अंडर रूट है तो अंडर रूट को क्या लिख सकते हैं, वन बाई टू, अंडर रूट इज हाफ, ठीक है यहां तक। नेक्स्ट पावर रूल, पावर क्या है, थ्री बाई टू, तो टी की पावर क्या है, थ्री बाई टू माइनस वन एक पावर कम, तो पावर नीचे एक पावर कम, पावर पे हाथ रखेंगे तो dt by dt क्या है, वन। बोलो इसकी डिफरेंशिएशन जीरो, जीरो क्योंकि वन बाय सेवन इज अ कॉन्स्टेंट नंबर है, जीरो प्लस पावर नीचे t की पावर एक कम तो हाफ माइनस वन, तो पावर पे हाथ रखेंगे तो dt by dt इज वन, तो आंसर क्या आएगा, थ्री बाय टू t raised to power 1 by 2 plus half t raised to power minus half, यहां तक छोड़ सकते हैं कोई दिक्कत नहीं। तो क्या ये पॉइंट सबको क्लियर है, कोई डाउट इसमें, ठीक। मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं और अगर आपने वो क्वेश्चन कर दिया तो यानी कि आपको सारे रूल एकदम क्लियर है, अपनी कॉपी चेक करवा देना मुझे, ठीक। पहले मैं कॉपी चेक कर लूंगा फिर देखते हैं कि ऐसा कोई मुश्किल नहीं है, बस थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट है जो मैंने करवाया हुआ है, देखते हैं आप अप्लाई कर पाते हो कि नहीं। d बाय डी एक्स ऑफ अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस फोर, बस
करो ट्राई. हिंट देता हूं, फिर कॉपी चेक करवाना, ठीक है? ओके, हिंट ये है, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस फोर रेज टू पावर हाफ किया सबने. अगर आप ये सोच रहे हैं कि अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस फोर को ब्रेक कर लेते हैं अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस अंडर रूट ऑफ फोर और आंसर आ जाएगा एक्स माइनस टू, तो बिल्कुल गलत सोच रहे हैं, क्योंकि एक्स स्क्वायर माइनस फोर का होल रेज टू पावर हाफ है. आप ऐसा नहीं कर सकते, तो जिन्होंने ऐसा किया वो ठीक नहीं किया. तो मेरे पास क्या ऑप्शन है, इस पूरे ब्रैकेट की पावर क्या है, हाफ. पावर रूल सबसे पावरफुल रूल है, पावर क्या है, हाफ, इस पूरे की पावर हाफ. और तो अंदर तो जा नहीं सकते क्योंकि पावर बीच में आ रही है, तो पावर नीचे उतार लो हाफ. तो एक्स स्क्वायर माइनस फोर की पावर हाफ है, तो जो भी इसकी पावर है उसमें से क्या माइनस करना है, वन. पुट आउट इसमें, पावर नीचे एक पावर कम, पुट आउट इसमें. अब भी कॉपी चेक करवा दो, अभी खत्म नहीं हुआ क्वेश्चन. बोलो नेक्स्ट, नेक्स्ट स्टेप चेक कराओ. काफी लोग देख पा रहे हैं, काफी लोग नहीं देख पा रहे, ज्यादातर लोग नहीं देख पा रहे, कोई बात नहीं, ऐसा होता है, हर साल नहीं देख पाते. तो मैं दिखाता हूं, फिर आपको मिलता जुलता क्वेश्चन फिर से दूंगा. यहां तक क्लियर है, पावर नीचे इस पूरे की पावर एक कम, हमने क्या रूल सीखा था. इसके बाद dx / dx हमेशा वन होता है, वो आज तक वन था, इस बार वन नहीं है. लोग पूछते भी थे सर dx / dx तो वन होता है, लगाते क्यों भाई, जरूरी नहीं कि वन होता है. ये देखो पावर पे अगर आप इसमें हाथ रख दो, छोड़ दो पावर पे, तो क्या दिख रहा है आपको, d by dx of x square minus 4, कहां दिख रहा है dx by dx, तो जो भी आपको दिख रहा है d by dx of x square minus 4 वो एंड में आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. ये पहला क्वेश्चन है जिसमें dx by dx 1 नहीं है. तो हमने क्या किया, इस पूरे की पावर हाफ, इस पूरे की पावर हाफ माइनस वन, पावर पे हाथ रखा, d by dx of x square minus 4 एंड में मल्टीप्लाई कर दिया. क्या ये पॉइंट सबको क्लियर है? बिल्कुल वैसे ही जैसे अगर मान लो d by dx of मैं आपको क्वेश्चन दूं x की पावर हाफ, तो आप क्या करते हो, हाफ x की पावर माइनस हाफ, फिर हाफ पे हाथ रख के देखते हो तो क्या आता है, dx by dx. बस फर्क ये है कि इस बार यहां पर ये x था तो dx by dx हो गया, इस बार ये x नहीं है, इस बार ये x square minus 4 है. ये स्टेप समझ में आया एंड में?
तो आपको इसमें क्या करना है, हाफ एक्स स्क्वायर माइनस फोर रेज टू पावर माइनस हाफ इंटू डी बाय डी एक्स ऑफ फर्स्ट टर्म माइनस डी बाय डी एक्स ऑफ सेकेंड टर्म, राइट। तो इसके बाद आपको क्या करना है, इसमें इसका पावर रूल लगेगा, बोलो क्या आंसर आएगा, पावर नीचे एक पावर कम, कॉन्स्टेंट की डिफरेंशिएशन इज जीरो, टू एक्स को इससे मल्टीप्लाई कर देना आंसर। बस ये स्टेप इंपॉर्टेंट था एंड में जो मैंने किया, ठीक। हालांकि इस टाइप की प्रॉब्लम्स कम आती हैं, मतलब चाहिए नहीं होती, पर क्योंकि मैं आपको कैलकुलस थोड़ा डिटेल में करवा रहा हूँ और ताकि आपको छोटी छोटी चीज़ें क्लियर हों। हालांकि कैलकुलस बहुत सिंपल तरीके से आता है, इतना बड़ा मैथ्स नहीं आता, मतलब सिंपल एक्स स्क्वायर की डिफरेंशिएशन, एक्स क्यूब की, मतलब ओवरली भी कर लोगे, इतना की आता है, तो इतनी कोई टेंशन नहीं है। बट ये है कि हम अब प्रैक्टिस कर रहे हैं तो ठीक तरह प्रैक्टिस करेंगे, ताकि जो एक वार्म अप एक्सरसाइज है ये, ताकि हमारा हाथ फटाफट चलना स्टार्ट हो जाए, बस इतना सा काम है, ठीक। तो ये स्टेप समझ में आया, चलो ठीक है, मैं एक और क्वेश्चन देता हूँ, आप मुझे वो करके दिखा दो तो ठीक है, मैं तब भी मान जाऊँगा कि आपको ये रूल समझ में आ गया, ठीक है। तो लिखो फिर, क्वेश्चन है डी बाय डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस थ्री रेज टू पावर वन बाय थ्री, क्यूब रूट है, पावर क्या है वन बाय थ्री, पावर नीचे उतार दो, अब करो लोगों को समझ में आ रहा है। तो आपने क्या करना है, इस पावर को नीचे उतार दिया 1 बाय 3, जिसकी भी पावर 1 बाय 3 है, x square minus 3 whole power 1 by 3 minus 1। अब अगर यहां पावर पे हाथ रखें तो dx by dx 1 नहीं है, तो क्या है d by dx of पावर को अगर हटा दे तो क्या दिखता है, x square minus 3, कोई डाउट इसमें। तो यहां पर 1 by 3 x square एक्स स्क्वायर माइनस थ्री होल रेज टू पावर माइनस टू बाय थ्री इंटू डी बाय डी एक्स ऑफ फर्स्ट टर्म माइनस डी बाय डी एक्स ऑफ सेकेंड टर्म। तो यहां पर जो कॉन्स्टेंट है उसकी डिफ्रेंसिएशन जीरो, और इसको पावर रूल टू इंटू एक्स, आंसर ये आंसर। तो कितने लोगों को समझ में आ गया, ये आ गया, कोई डाउट किसी को इसमें, ठीक है। तो कर लिया था आप लोगों ने ये, मैं आपको एक और क्वेश्चन देता हूँ, इसका फिजिक्स से लेना देना नहीं है, मतलब फिर से एक जस्ट एक गेम खेलने के लिए कि शायद आप इसको कर पाएं, ठीक। लेकिन उससे पहले मेरे को एक फॉर्मूला बताना पड़ेगा आपको, पहले मैं फॉर्मूला करवाता हूँ फिर वो उस क्वेश्चन को मैं आपसे पूछूंगा। तो नेक्स्ट पहले फॉर्मूला लिखते हैं, क्या फॉर्मूला, नेक्स्ट फॉर्मूला इज कि सपोज करो आपके पास, हमने लास्ट टाइम क्या किया था, डी वाई डी एक्स ऑफ यू प्लस वी का फॉर्मूला क्या था, डी वाई डी एक्स ऑफ यू प्लस डी वाई डी एक्स ऑफ वी, कोई डाउट इसमें, करवाया था मैंने ये, और ये इस तरीके से माइनस है तो माइनस आएगा, राइट, ओके। अब फॉर्मूला है, नेक्स्ट फॉर्मूला d by dx of u into v, हमें पता है कि अगर ये प्लस होता तो d by dx of u plus d by dx of v, माइनस होता d by dx of u minus d by dx of v, तो आपका मन ये करेगा कि d by dx of u into d by dx of v, कोई डाउट इसमें, ऐसा करेगा, लेकिन ये फॉर्मूला गलत है, क्योंकि अगर ये सही होता
तो मैं आपको बता ना देता कि प्लस लगा लो, माइनस लगा लो, मल्टीप्लाई लगा लो, डिवाइड लगा लो, एक ही बात है। नहीं, मैंने सिर्फ प्लस और माइनस के लिए सही अलाउ किया, मैंने मल्टीप्लाई के लिए बिल्कुल नहीं किया। तो मल्टीप्लाई में आपने डी बाई डी एक्स को दोनों से मल्टीप्लाई नहीं करना, क्लियर है? तो फिर क्या करना है? तो एक्चुअल फॉर्मूला है डी बाई डी एक्स ऑफ यू इंटू वी मल्टीप्लाई हो रहा है। सबसे पहले फर्स्ट टर्म को एज इट इज लिख लो, कोई डिफ्रेंसिएशन नहीं, यू का यू लिख लो, इंटू इंटू डिफरेंसिएशन ऑफ सेकेंड टर्म विद रिस्पेक्ट टू एक्स। इसकी डिफरेंसिएशन कर दो, फर्स्ट टर्म को कुछ ना करो, ऐसे लिखो इंटू वी की डिफरेंसिएशन, प्लस अब सेकेंड टर्म को ऐसे लिख दो वी इंटू फर्स्ट टर्म की डिफरेंसिएशन। ये लो, तो कुछ नहीं करना, एक बार फर्स्ट टर्म इंटू डिफरेंसिएशन ऑफ सेकेंड टर्म प्लस सेकेंड टर्म इंटू डिफरेंसिएशन ऑफ फर्स्ट टर्म। मैं आपको ना ये लगा के दिखाता हूं, फिर आप इसको नोट करना, फिर मैं आपको क्वेश्चन दूंगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन है डी बाई डी एक्स ऑफ, मान लो क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब, ये क्वेश्चन है। अब एक स्टूडेंट ने कहा सर एक्स को एक्स से काट दो, कट कर दो, बिल्कुल गलत, नहीं कट करना, कट नहीं कर सकते। उसने कहा डी को डी से काट दो, बिल्कुल गलत, डी को डी से काटते ही नहीं है, डी बाई डी एक्स हटाते हैं, डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो उसने कहा ठीक है, अब ऐसा करो, नहीं काटना कोई बात नहीं, कम से कम ये वाली टर्म को मल्टीप्लाई तो कर ही सकते हैं यार, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब एक्स फाइव है, सही है, सही है, यहां तक अलाउड है, ठीक है। तो उसने कहा फिर पावर रूल तो लगा ही सकते हैं, तो पावर रूल से आंसर क्या आएगा, फाइव इंटू एक्स रेज टू पावर फोर, और फाइव पे हाथ रखेंगे तो डी एक्स बाई डी एक्स इज वन, कोई डाउट इसमें? यह एब्सोल्यूटली करेक्ट है, ठीक, ये करेक्ट है। और मैं ऐसा बोलूंगा ये मेरा मेथड नंबर वन है, अलाउड है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर मैं इस मेथड को नहीं यूज करना चाहता, मैं मेथड नंबर टू यूज करना चाहता हूं जिसके अंदर इस फॉर्मूले को यूज करके दिखा सकूं। कैसे? डी बाई डी एक्स ऑफ, फिर से सेम क्वेश्चन कर रहा हूं, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स का क्यूब, ठीक है। इसके अंदर आप एक काम करें, जो पहली टर्म है मैं मल्टीप्लाई कर सकता हूं लेकिन मैं नहीं करना चाहता, मैं ये फॉर्मूला वेरीफाई करवाना चाहता हूं। फर्स्ट टर्म को अपने मन में क्या मान ले, यू, और सेकेंड टर्म को अपने मन में क्या मान ले, वी। एक यू हो गया और एक वी हो गया, ठीक है। तो रूल क्या कहता है, पहले यू को बाहर रखो, फर्स्ट टर्म को एज इट इज रख दो, कितना, एक्स स्क्वायर, मल्टीप्लाई बाय सेकेंड टर्म की डिफ्रेंसिएशन कर दो, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब, राइट। फिर क्या करेंगे, v को बाहर रखो, सेकेंड टर्म को बाहर रखो, इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट टर्म यानी कि एक्स स्क्वायर। तो पहले फर्स्ट टर्म को बाहर, डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड टर्म, सेकेंड टर्म बाहर, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट टर्म। तो इसके अंदर एक्स स्क्वायर इंटू, पावर रूल बोलो, थ्री एक्स टू, पावर नीचे एक पावर कम, प्लस एक्स क्यूब इंटू 2x raise to power 1, तो इन्हें मल्टीप्लाई करो, 3x 4 plus 2x raise to power 4, add करो 5 into x की power 4, answer exactly same, इसका मतलब मेरा formula absolutely correct है। तो कैसे लगाना है formula, समझ में आ रहा है? आप होके क्यों लगाएंगे यार, पहले method से नहीं करते? हाँ तो कर दो, पहले method से कर दो, कोई problem नहीं है, लेकिन ये formula exist करता है, तो at least किसी किसी जगह पर हम पहला फॉर्मूला लगा नहीं पाएंगे, तो वहां पर हमें क्या करना पड़ेगा, u इंटू v का फॉर्मूला आना चाहिए। तो आप ये नोट कर लो, फिर मैं आपको क्वेश्चन देता हूं। क्वेश्चन देखो,
तो जिनका ये हो गया वो ये क्वेश्चन को वेरीफाई करें प्लीज। क्वेश्चन करें डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेज टू पावर 7 इंटू एक्स रेज टू पावर 3 और मेथड 2 से करें, यू इन टू वी से करें प्लीज, यू इन टू वी से करें, ऐसे ना करें, ऐसे तो मैं भी कर दूंगा। मल्टीप्लाई करेंगे एक्स की पावर 10 तो आंसर आएगा 10 इंटू एक्स की पावर 9 तो ओरली हो जाएगा। पर मेथड 2 यू इन टू वी से करके देखना प्लीज, इसको यू मान लें और इसको वी माने, तो इसमें क्या करेंगे पहले फर्स्ट टर्म को एज इट इज लिख लेंगे जैसी है, क्या है x की पावर 7 इंटू डी बाय डी एक्स ऑफ सेकेंड टर्म x की पावर 3 प्लस x की पावर 3 इंटू डी बाय डी एक्स ऑफ फर्स्ट टर्म x की पावर 7। कोई डाउट इसमें? तो x की पावर 7 इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ सेकेंड टर्म प्लस सेकेंड टर्म इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट टर्म। तो यहां से x की पावर 7 इंटू पावर रूल 3x स्क्वायर प्लस x क्यूब इंटू पावर रूल 7x6। तो ये आएगा 3x रेज टू पावर 9 प्लस 7x रेज टू पावर 9 तो आंसर इज 10x रेज टू पावर 9। पता ही था आंसर ही आना है, बट आपको ये फॉर्मूला क्लियर है कि फॉर्मूला अप्लाई कैसे करना है। हालांकि बहुत कम यूज होता है ये, पर लेकिन ये रूल है तो मुझे बताना पड़ेगा। इसकी एप्लीकेशन किसी किसी क्वेश्चन में, बहुत ही कम क्वेश्चंस में, राइट? क्लियर है? नेक्स्ट फॉर्मूला करते हैं मल्टीप्लिकेशन के बाद। ठीक, मल्टीप्लिकेशन के बाद जो नेक्स्ट फॉर्मूला है लिखें डी बाई डी एक्स ऑफ यू डिवाइडेड बाई वी, u by v, ठीक। तो कई लोग ऐसा लगाने की कोशिश करेंगे d by dx of u, d by dx of v। अगर ऐसा होता मैं फर्स्ट बताना देता कि डिवाइड भी सेम रूल चलेगा, नहीं चलेगा। तो लिखो फिर एक्चुअल फॉर्मूला। इसका एक्चुअल फॉर्मूला है d by dx of u डिवाइडेड by v का फॉर्मूला। पहले देख लो ये न्यूमिनेटर ये डिनोमिनेटर, स्टार्ट विद डिनोमिनेटर, तो लिखें डिनोमिनेटर, कोई डिफरेंशिएशन नहीं करनी, पर डिनोमिनेटर इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमिनेटर, डिनोमिनेटर इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमिनेटर, प्लस नहीं माइनस न्यूमिनेटर, अब इस बार न्यूमिनेटर इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर। तो क्या किया, डिनोमिनेटर से स्टार्ट किया एज इट इज into differentiation of numerator minus numerator into differentiation of denominator divided by, अभी रुका नहीं है, denominator का square। इस formula को note करो, मैं use करना सिखाता हूँ। formula लिखो एक बार, ये formula ही है, मैं इसमें कुछ कर नहीं पाऊंगा क्यों और कैसे, maths का formula है। ठीक, अभी दिखाता हूँ ये कैसे काम करेगा। ठीक है, तो इसके अंदर जैसे एग्जाम्पल, एग्जाम्पल में पहले मैं मेथड नंबर 1 पुराना यूज ही करूंगा। इसमें एग्जाम्पल डी बाई डी एक्स ऑफ, क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स। तो कोई कहेगा ठीक है इसको तो छेड़ नहीं सकते, कम से कम ये तो कर ही सकते हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर बाई एक्स क्या होता है एक्स, इसको तो काट लें कम से कम। तो आंसर क्या आएगा 1, एब्सोल्युटली करेक्ट, कर सकते हैं। बट अगर मैं मेथड नंबर 2 यूज करूं, मेथड 2 में मैं इनको बिना कट किए करना चाहता हूं,
जैसे ये x square और ये x, तो एक काम करते हैं, इसको अपने मन में क्या मान लेते हैं u और इसको क्या मान लेते हैं v। तो स्टार्ट करते हैं डिनोमिनेटर, तो डिनोमिनेटर इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमिनेटर माइनस न्यूमिनेटर डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का स्क्वायर। सही है, तो डिनोमिनेटर इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमिनेटर माइनस न्यूमिनेटर इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर बाय डिनोमिनेटर स्क्वायर। तो इसको अगर मैं सॉल्व करूं x इनटू पावर रूल बोलो क्या बनेगा, 2 इनटू x की पावर 1, 2 इनटू x की पावर 1 माइनस x स्क्वायर इनटू ये क्या है 1 अपॉन x स्क्वायर। तो इसे मल्टीप्लाई करेंगे क्या बनेगा 2x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर डिवाइडेड बाय x स्क्वायर दैट इज x स्क्वायर बाय x स्क्वायर। आंसर इज, वो तो पता ही था आंसर 1 आना है, मैं तो बस ये बता रहा हूं कि मेरा फॉर्मूला एब्सोल्युटली करेक्ट है। आप मेथड 1 कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप ये नोट करें, फिर मैं आपको क्वेश्चन देता हूं, u / v का फॉर्मूला एक बार ट्राई करें, स्टेप्स देख लें एक बार। क्वेश्चन को एक बार प्लीज ट्राई करें, डी बाय डी एक्स ऑफ एक्स रेज टू पावर 7 अपॉन एक्स रेज टू पावर 3 और मेथड 2 से करें जिसमें इसे यू माने और इसे वी माने, यू एंड वी। इसका आंसर 4x रेज टू पावर 3 आना चाहिए, ऐसा ही है, तो ओरल दिख ही रहा है। अगर मैं मेथड 1 यूज करूंगा तो x की पावर 4 ही तो बचेगा, तो 4 पावर रूल लगाऊंगा 4 * x की पावर 3, पर मैं करना नहीं चाह रहा, मैं u / v। तो डिनोमिनेटर x क्यूब * d / dx ऑफ न्यूमिनेटर x की पावर 7 माइनस न्यूमिनेटर d / dx ऑफ डिनोमिनेटर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का स्क्वायर। तो क्या बनेगा x क्यूब इंटू 7 इंटू x की पावर 6 पावर रूल माइनस 3 इंटू x की पावर 2 डिवाइडेड बाय x की पावर 6। तो 7 x की पावर 9 माइनस 3 x की पावर 9 अपॉन x की पावर 6, तो 4 x की पावर 9 x की पावर 6 ये कट जाएगा, 4 इंटू x की पावर 3 इज द आंसर। यहां तक ये आंसर आना चाहिए था ना, डाउट? ठीक है, तो इसमें कई लोग ना कॉमन गलती करते हैं, यहां तक तो कर लेते हैं,
यहां ना खाम खाई पावर रूल लगा देंगे, 3 × x^2 पे क्यों लगाएंगे? क्या यहां d बाई डी एक्स लगा है? नहीं लगा, तो नहीं लगाना। जहां d बाई डी एक्स लगा है पावर रूल सिर्फ वहीं लगेगा। पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक? अदरवाइज नहीं लगेगा, कॉन्स्टेंट कॉन्स्टेंट है। ठीक ठीक, तो पॉइंट क्लियर है यहां तक? तो पावर रूल वहां लगाना है जहां d बाई डी एक्स है, नहीं तो नहीं लगाना, एज इट इज मल्टीप्लाई होगा। तो पॉइंट सबको क्लियर है ये? तो और प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखें और इसको करके दिखाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है d बाय डी एक्स ऑफ एक्स प्लस वन बाय एक्स माइनस वन। जो शॉर्टकट आते हैं सब लगा दें, आपकी मर्जी, मेथड वन मेथड टू जो मर्जी लगाएं, लगेगा ही नहीं। क्या लगेगा? u अपॉन v, दो टर्म डिवाइड हो रही है, सिंप्लीफाई तो हो नहीं सकती, कट भी नहीं सकता x, तो ऊपर वाली न्यूमिनेटर को u मान लें, डिनोमिनेटर को v। अब लगाएं u अपॉन v, तो इसमें आप लोग में स्टेप्स चेक कर सकते हो। ये आपने यू लिया, ये आपने वी लिया, तो डिनोमिनेटर इनटू डी बाय डी एक्स ऑफ न्यूमिनेटर माइनस न्यूमिनेटर डी बाय डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का स्क्वायर। ये स्टेप सबने किया। नेक्स्ट, एक्स माइनस वन डी बाय डी एक्स ऑफ फर्स्ट टर्म डी बाय डी एक्स ऑफ सेकेंड टर्म एक्स प्लस वन डी बाय डी एक्स ऑफ फर्स्ट टर्म डी बाय डी एक्स ऑफ सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाय एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर। तो ये भी पॉइंट क्लियर है। अब इसकी डिफ्रेंसिएशन क्या होगी? वन। इसकी क्या होगी? जीरो। इसकी क्या होगी? वन। और इसकी क्या होगी? जीरो। तो एक्स माइनस वन, वन प्लस जीरो इज वन, एक्स प्लस वन, वन माइनस जीरो इज अगेन वन, लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं, डिवाइडेड बाय एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर। इसको आगे सिंप्लीफाई करना है कर दो, माइनस टू एक्स से एक्स भी कट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं करोगे तो भी कोई बात नहीं, बट आपको यहां तक स्टेप समझ में आ गए। ये u upon v का फॉर्मूला है, ठीक। कम यूज होता है u upon v, ऐसा मत सोचें कि पता नहीं कितना ये मैथ हो जाएगा, पता नहीं कौन सी फिजिक्स करा रहे हैं कि इसमें कुछ नहीं है। कम यूज होता है, कभी कभी यूज हो जाता है, लेकिन इतने बड़े क्वेश्चन नहीं आते, बहुत छोटे आते हैं, राइट। और हम ज्यादा कर रहे हैं ताकि हमें आगे फिजिक्स ईजी लगनी स्टार्ट हो जाए, कम से कम कैलकुलस से हमारा डर निकल जाए, ठीक। तो करें नेक्स्ट क्वेश्चन, करोगे ट्राई? ठीक, जिनका हो गया वो ये क्वेश्चन करें। डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वन।
ठीक है, तो इसमें आप लोगों ने इसमें क्या किया, इसमें इसको u और इसे v, तो डिनोमिनेटर इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ न्यूमिनेटर माइनस न्यूमिनेटर डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर का स्क्वायर। सबने ऐसा किया, फिर उसके बाद अगला स्टेप एक्स स्क्वायर प्लस वन इंटू, यहां पर तो आप 2 इंटू एक्स की पावर 1 पावर रूल, माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी बाई डी एक्स, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 2x, और इससे करेंगे तो क्या आएगा 0, क्योंकि इसकी डिफरेंशिएशन क्या है 0, डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल रेज टू पावर 2। यहां तक छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं। क्या यहां तक सबको क्लियर है, कोई डाउट किसी को इसमें? ये मैंने ओरली कर दिया, डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट टर्म, डी बाई डी एक्स ऑफ सेकंड टर्म, 2x प्लस 1, समझ में आ रहा है? ठीक है, आप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई डाउट इसमें? तो अगला क्वेश्चन लिखते हैं फिर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर आप इसमें लिखो डी बाई डी एक्स ऑफ अंडर रूट ऑफ एक्स 1 माइनस अंडर रूट ऑफ एक्स, तो इसमें आप लोगों ने ऐसे किया, इसको u और इसको v मान लिया, u एंड v। तो स्टार्ट करते हैं डिनोमिनेटर से, 1 माइनस रूट एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स, तो डिनोमिनेटर इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमिनेटर माइनस रूट एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ 1 माइनस रूट एक्स डिवाइडेड बाई 1 माइनस रूट एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहां पर 1 माइनस रूट एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर क्या है हाफ, माइनस रूट एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ 1 माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेज टू पावर हाफ डिवाइडेड बाई 1 माइनस रूट एक्स का होल स्क्वायर। क्या स्टेप क्लियर है? ठीक है, ओपन कर लिया, और नेक्स्ट इसमें क्या करेंगे, 1 माइनस रूट एक्स, अब पावर रूल लगाएंगे, पावर नीचे एक पावर कम तो ये माइनस हाफ हो जाएगा। ठीक, माइनस रूट एक्स इंटू कॉन्स्टेंट की डिफरेंशिएशन 0,
पावर नीचे एक पावर कम हो जाएगी डिवाइडेड बाय वन माइनस रूट एक्स का होल स्क्वायर। जब आप इसे और इसे मल्टीप्लाई करेंगे माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यहां तक छोड़ दें चलेगा कोई दिक्कत नहीं। बट आपको बेसिक रूल लगाना आ रहा है यू अपॉन वी का रूल कैसे लगेगा, कोई डाउट इसमें? ठीक है, तो आज मैं होमवर्क भी दूंगा जिसमें आप खूब सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे और आपका हाथ जल्दी बैठेगा। ठीक है, तो ये बेसिक क्वेश्चन है लेकिन रूल ऐसे ही लगेंगे इससे। तो अब जो नेक्स्ट फॉर्मूला है इसमें, क्योंकि अब हमने u प्लस वी कर लिया, u माइनस वी कर लिया, u इंटू वी कर लिया और u बाई वी कर लिया। अब डिफ्रेंसिएशन के जो फॉर्मूलाज हैं वो ट्रिग्नोमेट्री बेस्ड हैं। ट्रिग्नोमेट्री में साइन और कॉस बहुत इंपॉर्टेंट है, सबको पता ही है, स्टार्ट यहीं से होता है, तो इनकी भी डिफ्रेंसिएशन होती है। तो नेक्स्ट फॉर्मूला लिखें, डिफ्रेंसिएशन ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ साइन ऑफ एक्स, डिफ्रेंसिएशन ऑफ साइन एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स। साइन एक्स की डिफ्रेंसिएशन इज कॉस एक्स। मुझे एक चीज बताओ, साइन के आगे ये जो भी टर्म है वो क्या है? एंगल। साइन के आगे ये चीज 60 डिग्री कुछ भी हो सकता है, ये एक्स इज अ वेरिएबल, तो मैं कोई वैल्यू फिक्स नहीं कर रहा 60 डिग्री या 30 डिग्री, तो दिस इज अ वेरिएबल साइन ऑफ एक्स। तो साइन ऑफ एंगल, तो आंसर क्या आएगा? कॉस ऑफ सेम एंगल। तो अगर ये एक्स होगा तो वो भी एक्स होगा, इन टू अभी बंद नहीं हुआ, इन टू डी बाई डी एक्स ऑफ एंगल, ये इंपॉर्टेंट है एंगल। कैसे? साइन का एंगल क्या है? एक्स। वही एंगल कहां पर आ गया? कॉस में। वही एंगल कहां पर आ गया? यहां पे। वो अलग बात है कि इसकी वैल्यू वन होती है, बात अलग है। जैसे फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन कैसे आएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन ऑफ 2x इज इक्वल टू कॉस ऑफ, ये बताओ साइन का एंगल क्या है? 2x, तो कॉस के यहां भी क्या आएगा? 2x इन टू डी बाई डी एक्स ऑफ, यहां पर एंगल कितना आएगा? 2x। क्या ये पॉइंट क्लियर है? हर बार dx बाई dx वन नहीं होता इसमें, 2x। ठीक, तो इसको अगर हम डिफ्रेंशिएट करें तो कॉस ऑफ 2x, 2 बाहर आ गया कॉन्स्टेंट, dx by dx जो कि क्या होगा 1। अब कई लोग मिस्टेक करेंगे, 2 को इससे मल्टीप्लाई करके 4x कर देंगे, बिल्कुल गलत। अगर आपको cos of 60 डिग्री दिया जाए और into 2 दिया जाए तो ये 120 थोड़ी ना होता है, ये 2 into cos of क्या होता है? 60। एंगल के साथ कोई चीज मल्टीप्लाई नहीं हो सकती, तो इसीलिए 2 हम आगे लिखेंगे into cos of कितना? 2x। दिस इज द आंसर, लिख सकते हो। ठीक है, यहां तक? तो इसमें ये इसका आंसर है। तो आप एक काम करें, इस क्वेश्चन को करें, साइन ऑफ डिफ्रेंसिएशन ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ साइन ऑफ 2x प्लस 1, 2x प्लस 1 ये क्वेश्चन है।
इसके अंदर क्या करेंगे, ये जो भी एंगल है वो किसके आगे लग जाएगा, कॉस के, तो कॉस ऑफ 2x प्लस 1 इन टू डी बाई डी एक्स ऑफ, एंगल क्या चल रहा है 2x प्लस 1, तो कॉस ऑफ 2x प्लस 1 इन टू डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट टर्म प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ सेकेंड टर्म जो कि क्या होता है 0, तो कॉस ऑफ 2x प्लस 1 इन टू 2 कॉन्स्टेंट बाहर आ गया तो क्या बचा dx by dx जो कि क्या होता है 1 1, तो 2 बिल्कुल बाहर आ जाएगा इन टू कॉस ऑफ क्या आएगा 2x प्लस 1 इज द आंसर, 2 बाहर आ जाएगा। पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक? ठीक ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करें, डी बाय डी एक्स ऑफ साइन ऑफ रूट एक्स तो इसमें साइन ऑफ रूट एक्स में क्या आएगा, कॉस ऑफ रूट एक्स, ये लिख दिया इन टू, क्योंकि एंगल इसमें कौन है रूट एक्स, तो इसको क्या करना पड़ेगा डिफरेंशिएट, क्लियर है? तो क्या आएगा कॉस ऑफ रूट एक्स इन टू डी बाई डी एक्स ऑफ, अब रूट का मतलब क्या होता है हाफ, तो कॉस ऑफ रूट एक्स इन टू हाफ x रेज टू पावर माइनस हाफ, इसको आगे ले आना चाहिए तो ये छोड़ दो, आंसर क्या है, पॉइंट क्लियर है यहां तक? तो सही है, साइन x का कॉस x याद हो गया, ये यूज होता है, काफी यूज होगा ये, ठीक आसान है, बहुत सिंपल सिंपल आता है, साइन x ही आता है, ये मत सोचना कि पेपर के अंदर या फिजिक्स के अंदर साइन रूट x आएगा, तो मन से क्वेश्चन बना रहा हूं, जो एक्चुअल फिजिक्स चलेगी उसमें साइन x कॉस x ही चलता है, बस इतना दौर को याद ही होता है, साइन x का कॉस x है, कॉस x का माइनस साइन x है, बस इतना ही होता है, बहुत बड़ी चीजें यूज नहीं होती। तो इसके अंदर नेक्स्ट फॉर्मूला लिखते हैं, नेक्स्ट फॉर्मूला इज डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स, साइन एक्स का कॉस एक्स, कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स होता है, माइनस साइन एक्स इन टू डी बाई डी एक्स ऑफ, एंगल तो आएगा ही आएगा एंड में, तो फॉर एग्जाम्पल डी बाई डी एक्स ऑफ, जैसे कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर है, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस साइन ऑफ एक्स स्क्वायर इन टू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, तो माइनस साइन ऑफ एक्स स्क्वायर इन टू टू इन टू एक्स की पावर 1, आंसर सेम ही तो है, जैसे साइन का फॉर्मूला वैसे ही कॉस का है, तो बस फर्क यह है कि कॉस पे माइनस साइन आता है, क्लियर है यहां तक? ये मैथ से आ रहे हैं सारे फॉर्मूलास, मैथमेटिक्स फॉर्मूला है, हम ड्राइव नहीं कर रहे हैं इन फॉर्मूलास को कहां से आए, मैथ्स वाले अपने आप आपको प्लस टू के अंदर सिखाएंगे, हमें फिजिक्स में चाहिए ही नहीं, हमें फिजिक्स में बस ये पता होना चाहिए साइन का कॉस होता है, कॉस का माइनस साइन है, सिंपल। ठीक है यहाँ तक? तो फिर ठीक है, क्वेश्चन करें सॉल्व। तो ये लो क्वेश्चन है, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस एक्स, बोलो क्या करेंगे, u अपॉन v, सही, तो कुछ कर तो सकते नहीं, डिवीजन है, तो इसको u मानेंगे, इसको v मानेंगे, करो स्टार्ट।
ठीक है, तो आप लोगों ने इसमें ऐसे किया होगा, इसको मान लिया u, इसको मान लिया v, तो डिनोमिनेटर 1 प्लस cos x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ न्यूमिनेटर माइनस न्यूमिनेटर इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर का स्क्वायर स्क्वायर। कई लोग यहां ब्रैकेट नहीं लगाते, अगर नहीं लगाएंगे तो ऐसा लगेगा सिर्फ cos x मल्टीप्लाई हो रहा है इसके साथ, वन अकेला चला जाएगा, तो अपने ब्रैकेट लगाना है पूरा, क्योंकि 1 प्लस cos x पूरा मल्टीप्लाई हो रहा है। तो इसमें 1 प्लस cos ऑफ x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ साइन x क्या होता है cos x इंटू डी एक्स बाई डी एक्स इज 1, इसे लिखने की जरूरत नहीं है, माइनस साइन x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट टर्म, जब हम ओपन करेंगे तो क्या आएगा 0, डी बाई डी एक्स ऑफ सेकेंड टर्म cos x की क्या होगी माइनस साइन x, साइन x डिवाइडेड बाय 1 प्लस cos x का स्क्वायर। ठीक है, तो माइनस माइनस मल्टीप्लाई हो क्या हो जाएगा प्लस, तो ये क्या बनेगा 1 प्लस, इसको ओपन कर लेंगे, करना है कर लो, ऐसे छोड़ दो कोई बात नहीं, यहाँ पर साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा, दैट्स इट। मेथड समझ में आ रहा है, तो यू बाई वी कहीं भी लग रहा है और साइन कॉस भी इसमें इकट्ठे लग रहे हैं, पर आइडिया समझ में आ रहा है कि कैसे इस क्वेश्चन को करना है। ठीक है, डाउट है कहाँ पे, ये वाला डी बाई डी एक्स ऑफ 1 प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ 1 इज 0 एंड डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स इज माइनस साइन एक्स, फॉर्मूला लगा दिया, तो ये इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो माइनस माइनस प्लस साइन इंटू साइन इज साइन स्क्वायर, आंसर साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, यहां तक इस क्वेश्चन को करो, डी बाई डी एक्स ऑफ 4 बाय एक्स स्क्वायर कितने लोग इसमें u अपॉन v लगा रहे हैं, कितनों ने सोचा कि 4 को बाहर निकाल लेते हैं, बाकी लोग फिर सोच रहे हैं। देखो दो तरीके हैं आपके पास, पहला तरीका आप इसको u ले लें और आप इसे v ले लें, सिंपल डिवाइड हो रहा है कोई बात नहीं, ऐसे करें तो एक्स स्क्वायर इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ न्यूमिनेटर माइनस न्यूमिनेटर इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर का स्क्वायर, तो कॉन्स्टेंट की डिफ्रेंसिएशन इज 0, तो माइनस 4 इंटू पावर रूल 2 इंटू एक्स की पावर 1 डिवाइडेड बाई एक्स की पावर 4, तो क्या आंसर आएगा माइनस 8 बाई एक्स की पावर 3, एक्स एक्स कैंसिल, आंसर सही है ना। और कईयों ने ये भी नहीं किया, कई कहते हैं करने की जरूरत क्या है, ऐसे करो d बाई डी एक्स ऑफ 4 कॉन्स्टेंट बार ले लो, तो क्या बचा 1 बाई एक्स स्क्वायर, 4 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेज टू पावर माइनस 2, पावर रूल लगा दो एक्स स्क्वायर, हाँ गलत किया कुछ मैंने, यहां पे इंटू 0 0 एक्स स्क्वायर इंटू 0 0 क्यों लेंगे, ये मल्टीप्लाई हो रहा है ना इसमें, तो मैंने अगर यहां किया तो माइनस 2 पावर रूल एक्स की पावर माइनस 3, तो आंसर क्या आया माइनस 8 इंटू एक्स की पावर माइनस 3, यानी कि माइनस 8 डिवाइडेड बाय एक्स की पावर 3, सेम ये ज्यादा आसान था वैसे, आपकी मर्जी है कैसे भी लगाओ, अब आपका ये प्रेजेंस ऑफ माइंड है 4 कॉन्स्टेंट दिखता है बाहर निकाल लो, तो नहीं दिखता कोई बात नहीं, यू बॉन भी तो लगा ही सकते हो, तभी तो आंसर सेम ही आ रहा है, पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक, कोई डाउट इसमें, ठीक ठीक है okay. तो एक क्वेश्चन दे रहा हूं, इस क्वेश्चन का फिजिक्स से कोई लेना देना नहीं है,
जस्ट ऐसी देखने के लिए कि आप कर पा रहे या नहीं कर पाए। ठीक, फिजिक्स में ये क्वेश्चन यूज नहीं होगा कभी भी, तो मतलब आप दिमाग से निकाल दो कि ये क्वेश्चन हमने किया था, ऐसी फन एक्सरसाइज है। ठीक है, तो क्वेश्चन है डी बाय डी एक्स ऑफ अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस सेवन एक्स माइनस सेवन अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस सेवन एक्स माइनस सेवन। लगा लो, देखो बहुत बड़ा किया। मैं समझ सकता हूँ हर कोई U पॉन V लगा रहा है, गलत नहीं लगा रहा, तो आप इसे U मानेंगे और इसे V। प्रॉब्लम क्या है, क्वेश्चन की लेंथ बहुत बड़ी हो रही है, चले जा रहा है चले जा रहा है, तो फिर क्या किया शॉर्टकट में आपने, ये ना, इसका एक छोटा तरीका बताता हूँ कि आप इसको कैसे कर सकते हैं। आपको किसको आप देखो U पॉन V तो एक तरीका है ही है, गलत नहीं है, लंबा बहुत है, अब करके देख ही रहे हैं, आपका पेज ही खत्म हो गया, इतना बड़ा तरीका है। तो इसकी जगह एक आसान तरीका है, क्या इजी तरीका है, कि मैं यू वाई भी तो यूज करता नहीं इसमें, मेरे को किसको डिफरेंशिएट करना है, इस अंदर वाली टर्म को, मैं इसको बाद में डिफरेंशिएट करता हूं, मैं पहले जो अंदर की टर्म है उसको अलग से लिख लेता हूं। ये मैंने इसको अलग से लिख दिया कि मैं इसे क्या करना चाहता हूं, डिफरेंशिएट। सिंप्लीफिकेशन करना मेरा राइट है, देखो सिंप्लीफाई करना क्या फर्क पड़ता है, सिंप्लीफाई में आसानी करना है चीज को, तो मैं क्या करता हूं, इसको सिंप्लीफाई करता हूं, रैशनलाइज करता हूं, तो सिंप्लीफाई हो जाएगा कैसे, अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस सेवन प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स माइनस सेवन अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस सेवन अंडर रूट ऑफ एक्स माइनस सेवन, कोई फर्क नहीं पड़ा। अब यह क्या बना, ए प्लस बी ए प्लस बी, तो क्या बनेगा, अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस सेवन एक्स माइनस सेवन का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय, ये क्या है ए, ये क्या है बी, ए माइनस बी इंटू ए प्लस
प्लस बी, तो क्या बनेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो डिनोमिनेटर में क्या आएगा ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। ठीक है यहां तक, तो यहां तक नोट करें और जरा इसे सिंप्लीफाई करना प्लीज आगे, इसे ओपन करें ए प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन करें, काफी टर्म्स कैंसिल होंगी, डिनोमिनेटर भी कैंसिल होगा, सिंप्लीफाई करना जरा क्या आ रहा है। तो अगर इसे सिंप्लीफाई और करें तो मेरे पास क्या आएगा x प्लस सेवन ए का स्क्वायर x माइनस सेवन बी का स्क्वायर प्लस टू ए बी, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस क्या आएगा 49 डिवाइडेड बाय अंडर रूट से ये कैंसिल, अंडर रूट से ये कैंसिल, तो x प्लस सेवन माइनस x प्लस सेवन, इसे ओपन कर लेंगे तो डिनोमिनेटर में आप चेक करो x से x क्या हो गया कैंसल, 7 से 7 क्या हो गया कैंसल, राइट क्लियर है, ठीक है ना। तो यहां पर a प्लस बी का होल स्क्वायर और यहां पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक। तो अब इसके अंदर इसमें न्यूमिनेटर में क्या बचा 2x प्लस 2 अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 49 डिवाइडेड बाय 14, ये बचा। आप ऊपर से 2 कॉमन निकाल के 14 से कट भी कर सकते हो, तो सिंप्लीफाई करके क्या बचेगा x प्लस अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस 49 डिवाइडेड बाय 7, राइट। तो जो बड़ा सा वो डिफरेंशिएट करना था उसकी जगह हम एक काम करते हैं, इसे डिफरेंशिएट कर देते हैं, बात एक ही है, क्योंकि वो जो टर्म थी बड़ी वो मैंने सिंप्लीफाई करके ये बना ली। अब एक काम करो, नया क्वेश्चन बन गया, इसको डिफरेंशिएट करो, अपने स्टेप्स चेक करवाओ मुझे। तब अब नया क्वेश्चन क्या बना, नया क्वेश्चन ये बन गया कि यू हैव टू डिफरेंशिएट डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 49 डिवाइडेड बाई 7। अब शुरू करो,
देखो अब आपने फाइनली इसमें क्या किया, इसमें सबसे पहले अगर आपका मन कर रहा है यू पॉन वी लगाने का तो आप गलत नहीं हो, आप लगा सकते हो, पर मैं नहीं लगाऊंगा, मैं यू पॉन वी से ना मुझे अवॉइड करना पसंद करता हूँ। तो मुझे ना 1/7 दिख रहा है, 7 कॉन्स्टेंट दिख रहा है, मैं 1/7 बाहर निकाल लेता हूँ। तो क्या बचा, डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट टर्म एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 49। क्या स्टेप सबको क्लियर है, 1/7 ही बाहर निकाल लिया। अब 1/7 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट टर्म प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ सेकेंड टर्म। अब सेकेंड टर्म में एक कॉमन मिस्टेक सुन लो, काफी लोग ऐसा करने की कोशिश करते हैं, एक्स स्क्वायर 49 तो अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस अंडर रूट ऑफ 49, तो ये बन गया x, ये बन गया 7। बिल्कुल सही कि गलत, गलत। क्यों? क्योंकि अंडर रूट इन दोनों के ऊपर इकट्ठा है, आप ऐसा नहीं कर सकते। ठीक है, मन तो बहुत करता है कि कट जाएगा स्क्वायर और 49, पर करना नहीं। तो आप इसमें क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 49 की होल पावर क्या लेंगे, हाफ। ठीक हो गया यहां तक। अब क्या करेंगे इसमें, इसके अंदर 1/7 इंटू ये 1 हो गया इंटू ये वही क्वेश्चन हो गया जो आज हमने स्टार्टिंग में किया था, इस पूरे की पावर क्या है, हाफ। इस पूरे की पावर रेज टू पावर एक कम कर दी जाए माइनस हाफ, फिर हाफ पे अगर हाथ रखा जाए तो क्या बचेगा, डी बाई डी एक्स ऑफ क्या एक्स स्क्वायर माइनस 49। आज किया था ना क्वेश्चन ये सॉल्व कि हाफ पे हाथ रखेंगे तो सिर्फ ये दिखेगा, तो इससे मल्टीप्लाई करना पड़ता है। आज दो क्वेश्चन किए थे हमने ऐसे, तो क्या किया हमने, हाफ नीचे एक पावर कम कर दी और डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 49 से आगे मल्टीप्लाई कर दिया। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक, बस हो गया क्वेश्चन सॉल्व। तो इसके अंदर 1/7 1 प्लस हाफ एक्स स्क्वायर माइनस 49 रेज टू पावर माइनस हाफ इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट टर्म क्या होगी 2x और कॉन्स्टेंट की डिफ्रेंसिएशन क्या होगी 0। आंसर 2 से 2 काटना है काटना, यहीं तक छोड़ना है छोड़ दो। तो पॉइंट समझ में आ रहा है, मतलब इस क्वेश्चन का फिजिक्स से लेना देना नहीं, हम कभी यूज नहीं करेंगे इसे। तो आप मतलब ये ना सोचें कि पता नहीं ऐसा कुछ यूज होगा, नहीं यूज होगा। तो वैसे ही मैंने बता दिया कि आप रैशनलाइज करके किसी भी टर्म को सिंप्लीफाई करके भी डिफरेंशिएट कर सकते हो तो भी आंसर सेम आएगा, आप यू बाई वी करोगे तो भी आंसर सेम आएगा। तो क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक, कोई डाउट किसी स्टेप में किसी को? ठीक है, अच्छा यहां तक आ गया, ये स्टेप समझ में आ गया। फिर ये क्वेश्चन आज हमने किया, इस पूरे की पावर क्या है, हाफ। इस पूरे की पावर हाफ माइनस वन, फिर पावर पे हाथ रखते तो क्या आता था, नॉर्मल तो dx पर dx आता है, पर यहां पर क्या आया, d by dx of x square minus 49। बस फिर इसको मल्टीप्लाई किया, d by dx of x square minus d by dx of 49, तो 49 की तो डिफरेंशिएशन 0 है, x square के 2x है, राइट, क्लियर है। उससे यू पॉइंट, देखो ये जरूरी नहीं है कि आपका सिंप्लीफाई करके आंसर सेम आएगा, इसमें जरूरी नहीं है, आप डिफरेंट आंसर भी इसमें आ सकता है प्रॉब्लम, हाँ ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। वो तो जब हम न्यूमेरिकल पुट करते हैं ना, एक्स की वैल्यूज पुट करते हैं, फिर आंसर न्यूमेरिकली सही आता है। आप दोनों मेथड यूज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। ठीक, ये स्टेप क्लियर है, ठीक है। चलो फिर इस क्वेश्चन को करें, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन 3 साइन ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय 2 प्लस कॉस ऑफ 2x
अपने स्टेप्स चेक कर सकते हो। तो इसमें सबसे पहले काम करो, इसको मान लो यू, इसको मान लो वी। तो डिनोमिनेटर से स्टार्ट करते हैं, टू प्लस कॉस ऑफ टू एक्स डिनोमिनेटर इंटू डी बाय डी एक्स ऑफ न्यूमिनेटर थ्री इंटू साइन एक्स माइनस थ्री इंटू साइन एक्स इंटू डी बाय डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर टू प्लस कॉस ऑफ टू एक्स डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का स्क्वायर। किया सबने ऐसा? ठीक। नेक्स्ट स्टेप में, नेक्स्ट स्टेप के अंदर इसको ऐसे ही रहने देते हैं, टू प्लस कॉस ऑफ टू एक्स इंटू थ्री, कॉन्स्टेंट बाहर आ जाएगा इसके क्योंकि थ्री इंटू साइन एक्स है, तो क्या बचेगा डी बाई डी एक्स ऑफ सिर्फ साइन एक्स, कॉन्स्टेंट बाहर आ गया, माइनस थ्री साइन एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट टर्म प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाई टू प्लस कॉस ऑफ टू एक्स का होल स्क्वायर। क्या सबने ऐसे किया? ठीक है। अब डिफ्रेंसिएशन के फॉर्मूला अप्लाई कर लेते हैं। साइन एक्स की डिफ्रेंसिएशन की जगह क्या पुट करेंगे नेक्स्ट स्टेप में? कॉस एक्स, सिर्फ इस चीज को कॉस एक्स, इसकी डिफ्रेंसिएशन जीरो, कॉन्स्टेंट की जीरो, और कॉस ऑफ टू एक्स की माइनस साइन ऑफ टू एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ टू एक्स, एंगल भी तो आएगा ना, एंगल टू एक्स है तो जो कॉस ऑफ टू एक्स है माइनस साइन ऑफ टू एक्स है इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ टू एक्स भी होगा, तो डी बाई डी एक्स ऑफ टू एक्स क्या होता है टू, क्योंकि टू बाहर आ गया, डी एक्स बाई डी एक्स इज वन। तो अगला स्टेप क्या बनेगा, टू प्लस कॉस ऑफ टू एक्स इंटू थ्री इंटू कॉस एक्स माइनस थ्री इंटू साइन एक्स इंटू यहां पर माइनस साइन ऑफ टू एक्स इंटू टू इंटू डी एक्स बाय डी एक्स जो कि क्या होता है वन डिवाइडेड बाय टू प्लस कॉस ऑफ टू एक्स का होल स्क्वायर। यहां तक छोड़ दो, सफिशियंट है। आइडिया समझ में आ रहा है कि कैसे साइन कॉस की डिफ्रेंसिएशन चलती है? ठीक है। हालांकि ये क्वेश्चन भी बहुत बड़ा है, इतने बड़े बड़े प्रॉब्लम भी नहीं आती। ठीक है, मैं अपने मन से बना रहा हूँ ना, तो कोई ऐसा फिक्स्ड आंसर निकाल नहीं पा रहा, क्योंकि कुछ भी मेरे मन में आ रहा है, मैं कुछ भी लिख रहा हूँ तो कोई भी आंसर आ रहा है, लेकिन जो हमारी फिजिक्स चलेगी उसमें छोटी छोटी डिफ्रेंसिएशन है तो फिक्स्ड आंसर आते हैं, एक्स स्क्वायर, एक्स की पावर थ्री बाई टू, सिंगल ही आती है, डबल भी नहीं आती, सिंगल छोटी छोटी डिफ्रेंसिएशन आती हैं। ठीक है, यहाँ तक तो इसमें कोई डाउट? ठीक। तो ट्रिग्नोमेट्री में हमने क्या किया, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स एंड डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस और भी होते हैं, मैं आपको फॉर्मूलाज लिखवा देता हूँ, वो यूज कम होते हैं लेकिन आप लिस्ट में नोट कर लें, कभी पूरा साल यूज हो तो कम से कम लिस्ट आपके पास पूरी होनी चाहिए। ज्यादातर क्वेश्चन साइन और कॉस के आते हैं, डिफ्रेंसिएशन टैन की भी होती है, कॉट की भी होती है, सीकेंट की, कोसीकेंट की, सबकी होती है, वो मैथ्स वाले ज्यादा करवाते हैं, हमें ज्यादातर जो काम आती है वो साइन और कॉस रहती है, तो वो हमें याद हो ही गई। तो बाकी फॉर्मूलाज आप अगर चाहें तो नोट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट फॉर्मूला नोट कर लें, डी बाय डी एक्स ऑफ टेन एक्स, डी बाय डी एक्स ऑफ टेन एक्स इज सीकेंट स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स बाय डी, देखो एंगल का रूल चलेगा, एंगल 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 वो तो चलेगा ही चलेगा। ठीक, तो ये फॉर्मूला है। नेक्स्ट है डी बाय डी एक्स ऑफ कॉट एक्स इज इक्वल टू माइनस कोसीकेंट स्क्वायर एक्स इंटू एंगल की डिफ्रेंसिएशन तो चलेगी चलेगी डी एक्स बाय डी एक्स, डी बाय डी एक्स ऑफ सीकेंट एक्स इज इक्वल टू सीकेंट एक्स इंटू टेन एक्स इंटू डी एक्स बाय डी एक्स, डी बाय डी एक्स ऑफ कोसीकेंट एक्स इज इक्वल टू माइनस कोसीकेंट एक्स कॉट एक्स इंटू डी एक्स बाय डी एक्स। तो ये कुछ फॉर्मूलाज हैं
पर ज्यादातर साइन और कॉस ही है, तो इसलिए इनको टेस्ट के अंदर मैं दूंगा नहीं, मैंने लिखवा दिए हैं। मैं टेस्ट के अंदर या जब भी असाइनमेंट होगी उसमें साइन कॉस में काम करवाऊंगा, जरूरत नहीं पड़ती इसकी। क्लियर है? ठीक, पर लिखवा दिए कि जैसे कल को क्वेश्चन आ जाए कि सीकेंट एक्स स्क्वायर की डिफ्रेंसिएशन क्या है, मान लो तो क्या होगी, सीकेंट एक्स स्क्वायर इंटू टेन एक्स स्क्वायर इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, बस एंगल चेंज करते रहो आंसर आ जाएगा। ठीक, फॉर्मूलाज है, क्लियर है यहां तक, कोई डाउट इसमें? ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करना, डी बाय डी एक्स ऑफ रूट एक्स इंटू साइन एक्स, ये बता दो स्टार्ट कैसे करें, क्या लगाएं, u डॉट v, u इंटू v, बिल्कुल सही, पहली टर्म u, दूसरी टर्म v, अब करो, एक दो टर्म मल्टीप्लाई हो रही है तो u इंटू v, u into v, u into v लगाया, एक बार चेक कर लो प्लीज स्टेप्स, तो u into v में इसको मान लेते हैं u, इसको मान लेते हैं v, तो क्या फॉर्मूला करवाया था, पहले फर्स्ट टर्म को एज इट इज इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स प्लस साइन एक्स को एज इट इज इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट टर्म, तो यहां पर रूट एक्स, साइन एक्स की डिफ्रेंसिएशन इज कॉस एक्स क्योंकि dx पर dx तो 1 ही होता है, इंटू साइन एक्स, अब हाफ अंडर रूट का मतलब क्या होता है, हाफ, तो हाफ का मतलब है इसकी डिफरेंशिएशन क्योंकि हाफ एक पावर कम, तो अंडर रूट का मतलब हाफ, तो हाफ इंटू एक्स की पावर एक कम कम माइनस हाफ, आंसर क्या है, पॉइंट समझ में आ रहा है, रूट एक्स तो हमने कई बार किया तो अंडर रूट ऑफ एक्स तो हमने कर ली प्रैक्टिस, तो हाफ इंटू एक्स की पावर माइनस हाफ इज, तो आंसर है। ठीक है यहां तक, अगर कोई क्वेश्चन ऐसे आए जैसे ये तो एक है ही है कि सपोज आपके पास एक न्यूज़पेपर है, एक न्यूज़पेपर के ऊपर अगर आप इंक गेरो ना तो फैलती है, देखें फैलती है नहीं, इंक गेर तो बॉल पेन या जेल पेन है, इंक पेन, इंक गेर के देखना तो वो फैलेगी ऐसे, ठीक, तो अगर मान लो कोई न्यूज़पेपर पे इंक गिरता है और इंक का एरिया इंक्रीज हो रहा है टाइम के साथ, टाइम के साथ इंक्रीज हो रहा है, कैसे, टी स्क्वायर प्लस टी, मतलब टाइम टी इक्वल टू 1 सेकंड पर या टाइम टी इक्वल टू 0 सेकंड पर एरिया 0 था, टाइम टी इक्वल टू 1 सेकंड पे एरिया 2 है, टाइम टी इक्वल टू 2 सेकंड पे एरिया इंक्रीज हो जाएगा, तो ऐसे इंक्रीज होता जा रहा है टाइम के साथ, आपको निकालना है फाइंड रेट of increase of area at time t is equal to 1 second, तो आपको rate of increase of area निकालना है at time t is equal to 1 second, तो आंसर क्या आएगा,
एक किया, थ्री आंसर। ठीक, देखो इसमें क्या करना है, पहले ये डिसाइड करो करना क्या है, आपको निकालना क्या है, रेट ऑफ इंक्रीज, रेट ऑफ इंक्रीज, रेट ऑफ डिक्रीज, रेट ऑफ चेंज, एक ही बात है, क्योंकि चेंज का मतलब आइदर इंक्रीज, चेंज का मतलब आइदर डिक्रीज, तो रेट ऑफ इंक्रीज भी डिफरेंशिएशन है। तो बेसिकली मैं क्या चाह रहा हूं कि मैं डिफरेंशिएशन ऑफ क्या चाह रहा हूं, एरिया। भाई रेट ऑफ चेंज क्या होता है, डिफरेंशिएशन, तो मैं डिफरेंशिएशन चाह रहा हूं एरिया की, और कब, एट टाइम t इज इक्वल टू 1 सेकंड, तो ऑब्वियसली टाइम के साथ ही करूंगा डिफरेंशिएशन, तो मुझे क्या निकालना पड़ेगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया टाइम के साथ एरिया चेंज हो रहा है, तो dA by dt, तो dA by dt निकाल लें, तो d by dt ऑफ एरिया की जगह वैल्यू क्या पुट करेंगे बताओ, t square plus t, इसको ओपन करेंगे तो d by dt ऑफ फर्स्ट टर्म प्लस d by dt ऑफ सेकेंड टर्म, तो ये क्या बनेगा 2t, ये क्या बनेगा 1। अब उसने क्या पूछा कि रेट ऑफ चेंज ऑफ या रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ एरिया, तो एरिया ये रेट ऑफ चेंज हो गया एरिया का, रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ एरिया कब, जब टाइम क्या है 1, तो अब एंड में इसमें 1 पुट करो, तो 2 इंटू 1 प्लस 1 क्या आएगा 3, इसके यूनिट्स क्या आएंगे, अगर एरिया मान लो सेंटीमीटर स्क्वायर में गिवन है और टाइम सेकेंड में गिवन है, तो इसके यूनिट्स क्या होंगे, 3 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, क्योंकि dA by dt, तो एरिया किस में होगा सेंटीमीटर स्क्वायर और टाइम किस में होगा सेकेंड, तो इस रेट से एरिया क्या हो रहा है इंक्रीज। कोई डाउट इसमें, पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक कि कैसे आपने सोचना है इस क्वेश्चन में, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया, रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ एरिया, रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ एरिया, सब डिफरेंशिएशन है। क्लियर है, ठीक है, कोई डाउट इसमें, ठीक। जैसे सपोज क्वेश्चन आया कि एक कार मूव कर रही है, अ कार इज मूविंग, या कार इज कवरिंग अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ एक्स इज इक्वल टू रूट टी प्लस 1, ठीक, फाइंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट टाइम t इज इक्वल टू 1 सेकेंड। निकालना क्या है, आपको निकालना है फाइंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, फॉर्मूला क्या होता है dx by dt, याद है फर्स्ट लेक्चर, dx by dt इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, x की वैल्यू पुट कर देते हैं, d by dt ऑफ x की वैल्यू क्या पुट करेंगे, रूट टी प्लस 1, तो इसको ओपन करेंगे d by dt ऑफ रूट टी प्लस d by dt ऑफ 1, तो अंडर रूट का मतलब क्या होता है हाफ, तो हाफ इंटू टी रेज टू पावर माइनस हाफ प्लस कांस्टेंट की डिफरेंशिएशन 0। उसने क्या पूछा, वेलोसिटी कब निकालनी है, जब टाइम क्या है 1, तो जब यहां पर टाइम को 1 पुट करेंगे तो वेलोसिटी 1 पुट करेंगे तो क्या आएगा हाफ, तो 1/2 बिल्कुल सही आंसर है। तो क्या ये पॉइंट सबको क्लियर है, ठीक। तो अब आपको एक असाइनमेंट, दो असाइनमेंट दी है मैंने, एक सब्जेक्टिव असाइनमेंट नंबर 1 और एक 2, ठीक है। तो इन असाइनमेंट में जो पहला क्वेश्चन है वो है डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो जो भी पहला क्वेश्चन है उसमें क्या करेंगे, डी बाय डी एक्स लगाएंगे, तो जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 1 को डिफरेंशिएट करना है तो डी बाय डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो ऐसे सारे पार्ट्स आपने करने हैं होमवर्क। नेक्स्ट है डिफरेंशिएट दी फॉलोइंग, पहला पार्ट 1993 विच इज अ कॉन्स्टेंट, आंसर क्या आएगा 0, सेकेंड पाई इज अ कॉन्स्टेंट, आंसर क्या आएगा 0,
ई भी मैथ्स का कॉन्स्टेंट है, आंसर इज जीरो. चलो एक क्वेश्चन हो गया. नेक्स्ट है डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो फिर से डी बाई डी एक्स लगाएंगे और यू अपॉन वी का फॉर्मुला लगाएंगे. तो आप चेक कर सकते हो असाइनमेंट के अंदर. फोर्थ क्वेश्चन में डी बाई डी एक्स ऑफ यू इन टू वी का फॉर्मुला लगेगा. फिफ्थ में आज हमने किया था पावर नीचे एक पावर कम वाला फॉर्मुला लगेगा. ऐसे सिक्स्थ में यू इन टू वी, सेवन्थ में यू इन टू वी, एट्थ में डिफरेंशिएट करना है यू अपॉन वी करके विद रिस्पेक्ट टू टाइम. नाइन्थ हो जाएगा एस की वैल्यू पुट करनी है. टेंथ मैंने एरिया वाला क्वेश्चन अभी करवाया. और ऐसी इलेवंथ भी सिंपल क्वेश्चन है, पावर रूल लगेगा इसमें. फिर सब्जेक्टिव शीट नंबर टू में क्वेश्चन नंबर वन में यू इन टू वी का फॉर्मूला, क्वेश्चन नंबर टू में यू बाई वी का फॉर्मूला, ऐसी बाकी पार्ट्स यू अपॉन वी, क्वेश्चन नंबर टू यू इन टू वी, क्वेश्चन नंबर थ्री हमने आज कर लिया अंडर रूट वाला बड़ा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर फोर पावर रूल है, क्वेश्चन नंबर फाइव यू इन टू वी है, क्वेश्चन नंबर सिक्स सिंपल आपको एक्स के साथ डिफरेंशिएट करना है डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट टर्म, ये पूरा पूरा एक्सप्रेशन आएगा. और क्वेश्चन नंबर सेवन में दोनों कॉन्स्टेंट है, आंसर जीरो आएगा. राइट, सात क्वेश्चन तक करने हैं असाइनमेंट नंबर टू के, और असाइनमेंट नंबर वन सारी करनी है. होमवर्क का अलग रजिस्टर लगाना है, तो होमवर्क का रजिस्टर आप यहाँ सबमिट करेंगे तो मैं एक बार स्टेप्स चेक कर लूंगा कि आप एटलीस्ट कहीं गलती कर रहे हैं, तो मैं चेक कर लूंगा कि कहाँ गलती हो रही है, क्योंकि एक बार गलती होगी वो फिर सारे ना सारे क्वेश्चन में आगे ट्रांसफर होती जाएगी. तो अगर एक बार नहीं हो रही तो फिर सभी में नहीं होएगी. तो एक बार स्टेप चेक करवा दूंगा मैं आपके यहाँ कर लूंगा. तो आप प्लीज अपने होमवर्क रजिस्टर अलग लगाना, क्लास का अलग लगाना. तो होमवर्क रजिस्टर में पहली असाइनमेंट और पहले सात क्वेश्चन ये आपने करने हैं, तो अगली बार ये करके आने हैं. राइट.